पुणे से अगर आप इंजीनियरिंग करना चाहते हैं तो आप कंसीडर कर सकते हैं डीवाई पाटिल कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग को। लेकिन क्यों डीवाई पाटिल में, ऐसा क्या खास है, इसकी क्या क्या फीचर्स हैं, ये सब हम आपको बताएंगे इस वीडियो में, ताकि आप अपना डिसीजन आसानी से ले सके। हम चेक करेंगे कि यहाँ के स्टूडेंट्स का क्या कहना है इस कॉलेज के बारे में अपने दिए गए रिव्यूज में शिक्षा.com पर। साथ ही हम चेक करेंगे यहाँ पे प्लेसमेंट कैसा होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, कट ऑफ्स कितनी जाती है, मेन कोर्सेज कौन कौन से हैं, फैकल्टी कैसी रहती है और कैंपस लाइफ यहाँ पर कैसी रहती है। सो एज वी सी, the average package here is of around rupees 4.8 lakh per annum in 2022. The highest package went up to rupees 27 lakh per annum, which was grabbed by a student of IT branch. While the highest package in computer science went up to rupees 22 lakh per annum, the highest in electronic and telecommunications went up to rupees 16.5 lakh per annum, and the highest in production was of rupees 12.5 lakh per annum. Now looking at the sector-wise placements, as we see, majority of the students, 35% went to engineering sector, 13% went to IT, 10% to education and to other sectors as well. बहुत सारे स्टूडेंट डीवाई पाटिल कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग को SIT पुणे से कंपेयर करते हैं। तो हम आपको बता दें कि SIT का प्लेसमेंट कंप्यूटर एंड IT ब्रांच के लिए डीवाई पाटिल से बेटर है विद एन एवरेज पैकेज ऑफ रुपीज 9.41 लाख पर एनम। बट ओवरऑल सारे ब्रांचेस के प्लेसमेंट्स को देखें, देन डीवाई पाटिल इज द विनर। प्लेसमेंट में स्टूडेंट भी डीवाई पाटिल को SIT के मुकाबले बेटर रेटिंग देते हैं। यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर से स्टूडेंट्स काफी खुश हैं। मतलब अगर आप डीवाई पाटिल से इंजीनियरिंग करें तो आपके आने वाले 4 साल कॉलेज में काफी अच्छे काम एंड खूबसूरत नजारों के साथ गुजरने वाले हैं। कॉलेज में वाईफाई 24/7 है और स्पीड इज ऑल्सो क्वाइट गुड। स्पोर्ट्स फैसिलिटीज फॉर स्टूडेंट्स इज मच बेटर देन अदर कॉलेजेस इन पुणे। कॉलेज के पास में देयर इज अ बिग स्टेडियम जहां पर रेगुलर इवेंट्स होते रहते हैं। सेंट्रल लाइब्रेरी अराउंड 677 स्क्वायर मीटर में फैली हुई है। हॉस्टल हैज वेरियस फैसिलिटीज लाइक मेस, RO, वाटर कूलर, जनरेटर बैकअप, स्टडी रूम with inverter facility, guest room for relatives of students of hostel, TV room for entertainment and gymnasium facility as well. According to students, mess ka khana achha hai magar for girls. Boys ka mess college se thoda distance par hai and run by third party, to quality of the food there is just okay. Yahan par BTech aapko 16 specializations mein mil jayega, jiski fees range karti hai 3.6 se lekar 4.98 lakh rupees tak 4 years ke liye. Agar aap courses like AI, computer engineering, robotics, civil engineering, electronics and communication etc में BTech करते हैं तो ये यहां पर आपको कॉस्ट करेगा 4.98 लाख रुपीस तक। In JEE mains, the cutoff for BE in information technology went up till 51,553. For mechanical engineering, you need to have a rank of around 2,03,591. If you want to know more about the branch wise cutoff, then do visit our website shiksha.com. अपने दिए गए रिव्यूज में यहां के स्टूडेंट फैकल्टी से ज्यादा खुश नजर नहीं आते। स्टूडेंट्स का कहना है कि some teachers are good in theoretical knowledge but they lack in practical. इसीलिए शायद स्टूडेंट्स ने फैकल्टी को दिए हैं 3.9 स्टार्स। बाकी कॉलेज में कोई ड्रेस कोड नहीं है, रेगुलर इवेंट्स होते रहते हैं, आउटसाइड मूवमेंट ऑफ गर्ल्स स्टूडेंट्स आर अलाउड बट विद इन रिस्ट्रिक्टेड टाइमिंग्स। अब अगर ओवरऑल रेटिंग दें तो कॉलेज को मिलते हैं 4 स्टार्स, जिसमें से फैकल्टी एंड कोर्स करिकुलम को मिलते हैं 3.9, क्राउड एंड कैंपस लाइफ को 4.2 और वैल्यू फॉर मनी को 3.9 स्टार्स। तो ये था रिव्यू डॉक्टर डीवाई पाटिल कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग का। आपको कैसा लगा, क्या यहाँ पर आप बीटेक करना चाहेंगे या नहीं, आप हमें बताइए नीचे कॉमेंट सेक्शन में। और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।